अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहु। आज मैं पालक गोश्त बनाने लगी हूँ, तो आपके साथ भी शेयर करना चाहूंगी। तो ये मेरे पास गोश्त है 3 पाव के करीब बकरे का गोश्त, और ये है पालक, राम शिपिनाथ, और ये है ये प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर, और ये 4 चम्मच के करीब दही है ऑयल, और ये 1.5 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून ये हल्दी, और 1 टीस्पून ये रेड चिल्ली, और ये धनिया पाउडर। अब इसमें ये मैं गोश्त डालती हूँ, पहले प्याज, लहसुन और अदरक, और ये मसाले सारे, और इसमें 1 कप पानी ऐड करूंगी। इन सारी चीजों को मिक्स कर देती हूँ मैं। कुकर को बंद कर देती हूँ 3-4 मिनट के लिए। गोश्त गल चुका है, इसमें मैं ये टमाटर भी ऐड कर देती हूँ कि ये भी बीच में गल जाए। इसमें पानी खुश्क हो गया, थोड़ी देर भून के तो फिर मैं पालक ऐड कर दूंगी। भूनते वक्त जरा आंच हल्की कर लेनी चाहिए। देखिए मसाला अच्छे से भून लिया, अब इसमें पालक ऐड करते हैं।
लगते रहेंगे क्योंकि नीचे न लग जाए। सालन पालक गोश्त का सालन तैयार हो गया है और अब मैं आपको डिशअप करके दिखाती हूँ। और ये पालक गोश्त का सालन तैयार हो चुका है और मैं आपको डिशअप करके दिखाती हूँ। पालक और गोश्त का सालन तैयार है, उसे मैंने डिश आउट कर दिया है और मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।